नमस्कार दोस्तों, नॉलेज जंक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पूरे विश्व के 10 सबसे बड़े शहरों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम भारत के 10 सबसे बड़े शहर नहीं, पूरे विश्व के 10 सबसे बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, जो जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व के 10 सबसे बड़े शहर है इस समय। इस लिस्ट में हम कई देशों के शहरों को देखेंगे, जिसमें भारत के कुछ शहर भी शामिल है, साथ ही में जापान, चीन, तुर्की, नाइजीरिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान का एक शहर भी है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में विश्व के 10 सबसे बड़े शहरों में शुमार है। आज के वर्तमान समय में दुनिया का विकास बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है। जिस तेजी से दुनिया भर में विकास हो रहा है, उसी तेजी से विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय भी है। दुनिया में बढ़ती जनसंख्या की वजह से शहरों में ज्यादा भीड़ और संसाधनों की कमी भी होने लगी है। तो चलिए देखते हैं विश्व के 10 सबसे बड़े शहरों को, और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको जरूर मिले। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में 10वां सबसे बड़ा शहर है ग्वांगझोऊ। यह अजीब सा नाम वाला शहर चीन में स्थित है। चीन के इस शहर ग्वांगझोऊ को केंतोन व क्वांगझोऊ के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में ग्वांगझोऊ शहर की कुल जनसंख्या 1,30,80,500 से भी अधिक है। यह चीन के 5 राष्ट्रीय केंद्रीय शहरों में से एक है। इस शहर के क्षेत्रफल की बात करें तो ग्वांगझोऊ शहर का क्षेत्रफल 7,434 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में 9वां सबसे बड़ा शहर है बीजिंग। वर्तमान समय में बीजिंग शहर की कुल जनसंख्या 1,35,16,620 से भी अधिक है। बीजिंग शहर 1949 में साम्यवादी क्रांति के बाद अलग अलग समय में चीन की राजधानी भी रहा है। बीजिंग शहर चीन के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और 4 नगरपालिकाओं में से एक है। बीजिंग शहर चीन का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र है। बीजिंग को विश्व के महानतम शहरों में से भी एक माना जाता है। चीन का यह शहर क्षेत्रफल के मामले में 16,411 वर्ग किलोमीटर के अद्भुत क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में 8वां सबसे बड़ा शहर है लेगोस। पश्चिम अफ्रीका में बसा लेगोस शहर नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर है। वर्तमान समय में लेगोस शहर की कुल जनसंख्या 1,64,53,856 से भी अधिक है। लेगोस शहर को अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। वही यह शहर क्षेत्रफल के मामले में 1,171 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में 7वां सबसे बड़ा शहर है मुंबई। मुंबई शहर भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध शहर है। वर्तमान समय में मुंबई शहर की कुल जनसंख्या 1,77,02,761 से भी अधिक है। मुंबई शहर जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहले पायदान पर आता है। भौगोलिक दृष्टि से मुंबई अरब सागर के तट पर स्थित है। मुंबई, जिसका पुराना नाम बॉम्बे था, भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। मुंबई शहर भारत का सर्वप्रथम आर्थिक एवं वाणिज्यिक केंद्र भी है। भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एवं अन्य भारतीय कंपनियों के मुख्यालय एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुंबई में ही स्थित है, इसलिए इसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। महाराष्ट्र राज्य का यह शहर क्षेत्रफल के मामले में 603.4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में 6वां सबसे बड़ा शहर है तियानजिन। तियानजिन शहर उत्तरी चीन का एक बहुत बड़ा महानगर है। वर्तमान समय में तियानजिन शहर की कुल जनसंख्या 1,84,12,000 से भी अधिक है। यह शहर चीन के 5 राष्ट्रीय केंद्रीय शहरों में से एक है। तियानजिन उत्तरी चीन का सबसे बड़ा तटवर्ती शहर भी है। क्षेत्रफल के मामले में यह शहर 11,760 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में 5वां सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। इस्तांबुल शहर तुर्की का एक प्रसिद्ध एवं खूबसूरत शहर है। वर्तमान समय में इस्तांबुल शहर की कुल जनसंख्या 1,86,36,000 से भी अधिक है। यह शहर तुर्की का सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र है। इस शहर में आबनाई बास्तुरस नाम का एक प्राकृतिक सुंदर बंदरगाह भी है। इस्तांबुल शहर में तुर्की के राष्ट्रपति का निवास स्थल भी है। इस्तांबुल शहर को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि शहर के सबसे प्राचीन क्षेत्र 7 पहाड़ियों में बसे हुए हैं, जहां हर पहाड़ियों की चोटी पर एक मस्जिद भी स्थापित है।
तुर्की का यह शहर क्षेत्रफल के मामले में 5,343 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में चौथा सबसे बड़ा शहर है कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे प्रसिद्ध व सबसे बड़ा शहर है। वर्तमान समय में कराची शहर की कुल जनसंख्या 1,87,51,521 से भी अधिक है। यह शहर अरब सागर के तट पर बसा हुआ है। कराची शहर में आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह देखने को भी मिलता है। साथ ही यह शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी भी है। अरब सागर के तट पर बसा कराची शहर पाकिस्तान का सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक राजधानी माना जाता है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर भी है। यह शहर पाकिस्तान आने वाले पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय भी है। पाकिस्तान का यह शहर क्षेत्रफल के मामले में 3,527 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा शहर है दिल्ली। दिल्ली भारत का एक अत्यधिक प्रसिद्ध शहर है। साथ ही दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। वर्तमान समय में दिल्ली शहर की कुल जनसंख्या 1,93,01,096 से भी अधिक है। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। भारत की राजधानी दिल्ली क्षेत्रफल के मामले में 1,484 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा शहर है शंघाई। शंघाई शहर को चीन की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। वर्तमान शहर में शंघाई शहर की कुल जनसंख्या 2,63,17,000 से भी अधिक है। चाइनीज भाषा में शंघाई को पिनियन कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति के अनुसार यह शहर यांगत्ज़े नदी के किनारे स्थित है। इस महानगर को आधुनिक चीन का ध्वजारोहक शहर माना जाता है और यह चीन का एक प्रमुख सांस्कृतिक, व्यावसायिक और औद्योगिक केंद्र भी है। 2005 से ही शंघाई का बंदरगाह दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। शंघाई शहर को द पर्ल ऑफ ओरिएंट के नाम से भी जाना जाता है। शंघाई शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर है, जो 6,340 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में पहला और सबसे बड़ा शहर है टोक्यो। टोक्यो शहर जापान का सबसे बड़ा शहर है और यह शहर जापान की राजधानी भी है। वर्तमान समय में टोक्यो की कुल जनसंख्या 3,82,41,000 से भी अधिक है। टोक्यो को पहले एदो के नाम से जाना जाता था। यह शहर जापान के सबसे प्रसिद्ध द्वीप होंशु के मध्य तट पर कांतो क्षेत्र का भाग है। टोक्यो जापान के आर्थिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। जापान का यह शहर क्षेत्रफल के मामले में 2,193 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों, यही थे जनसंख्या के मामले में विश्व के 10 सबसे बड़े शहर। देखिए, शहर छोटा हो या बड़ा, उसकी जनसंख्या कम हो या ज्यादा, अपना शहर तो अपना ही होता है। इसलिए आप अपने शहर का नाम कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं आपसे नॉलेज से भरपूर जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।